इंडियन कंटेंट भाई चाहे कितना भी देख लो इसका नशा ही नहीं जाता। जब कोई मूवी सरे ऊपर चढ़ के बोलता है ना भाई और उसकी कॉन्सेप्ट दिलो दिमाग तक झंझना कर रख दे तो उसे कहते हैं कोरियन मूवीज। इनकी क्वालिटी कॉन्टेंट के बारे में बताने का जरूरत नहीं, अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा। इनकी कॉन्टेंट को कम्पेयर नहीं करते, सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लाए ऐसे ही कोरिया की टॉप 7 जबरदस्त मूवी जिसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग झंझना देगी। तो बताइए ऐसी सिर्फ क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, देखकर चले जाते हो। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। और खुशी की बात है हमेशा आपके लिए कुछ बोनस मूवीज भी लाते हैं। अब तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है तो बोनस मूवीज को कभी भी मिस मत करिएगा। तो चलिए एक बार फिर से कोरिया की क्वालिटी कॉन्टेंट वाली दुनिया में जाते हैं। फाइव की कोरियन मूवी, अगर आपको डिटेक्टिव टाइप मूवी देखना पसंद है वो भी कोरिया की अदम जमाना की, तो ये मूवी देखते वक्त आपको मजा जरूर आएगा। तो ये मूवी देखिए 2015 की कॉमेडी ड्रामा के साथ डिटेक्टिव के सीक्रेट ऑफ द लॉस्ट आइलैंड। इसे पता लगाना नकली चांदी के सिक्के बनाने के आड़ में हो रहे क्राइम को, जिसके वजह से कोरिया की अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है। इधर दूसरी ओर शहर के छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं, क्यों और आखिर इसके पीछे कौन है, मूवी को देखिए, वन टाइम मस्ट वॉच है। एक छोटी सी बच्ची की एक्टिंग आपको समझ में आएगी। अगर आप कोरियन मूवी के फैन है तो बिना कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लिए एक ट्राई दे सकते हैं इस मूवी को, एटलीस्ट मूवी बोर नहीं करती। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 की कोरियन मूवी, यार एकदम से डरना किसे कहते हैं ये मूवी बताया। अब हॉरर टाइप मूवी में भूतों से डर नहीं लगता, इनके मिस्टीरियस डार्क कॉन्सेप्ट से लगता है। कोरिया की खतरनाक 2009 की हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर के साथ पोजेस। मूवी की स्टोरी, एक अपार्टमेंट के लोग भयानक और खतरनाक मिस्टीरियस तरीके से खुद को एक एक करके खुदकुशी कर रहे हैं। कोई एकदम से फांसी पे लटक के मर रहा है तो कोई उल्टी कर करके मर रहा है, एकदम खतरनाक। आखिर क्यों, इसके पीछे कौन है, कोई आत्मा, कोई भूत या कोई प्रेत जो लोगों को इतने मिस्टीरियस तरीके से मार रहा है। और सच में भाई एकदम से कुछ ऐसे ऐसे डरावनी सीन है जो आपको अंदर से हिला कर रख देगी, एकदम से कुछ ऐसा कर जाती है जो आपको डरा कर छोड़ेगी। थोड़ा संभल कर देखिएगा। बस इसका नेगेटिव पॉइंट लगा, लोग क्यों मर रहे हैं, बस सेटिस्फेक्शन वाला मूवी जवाब नहीं देती। बाकी आप मूवी को देखिए, आपको डराने के लिए काफी है। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 1 की कोरियन मूवी ने फील नहीं होने दिया कि हम कोई एनिमेटेड मूवी देख रहे हैं। एनिमेटेड मूवी का खासियत है भाई, शुरुआत के कुछ मिनट आपको अजीब लगेगा लेकिन कुछ टाइम देने के बाद ही मूवी में आप घुसते चले जाओगे। 2014 की एनिमेटेड एडवेंचर के साथ 108 डीमन किंग्स। अगर आपको डीमन जादू वार टाइप मूवी देखना पसंद है और सबसे बड़ी बात कोरिया की एनिमेटेड के साथ, तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच हो सकता है। एक बार देख कर देखिए, मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 की कोरियन मूवी के कॉन्सेप्ट ने तो दिल ही छू लिया भाई, इनकी सिंपलिसिटी सीधा दिल पर जाकर लगती है। 2006 की सुपरहिट म्यूजिकल ड्रामा के साथ फॉर हॉरोविज। मूवी की स्टोरी, एक पियानिस्ट जिसे वर्ल्ड फेमस हॉरोविस्ट की तरह पॉपुलर पियानिस्ट बनना है, इसके सपने को पूरा करता है एक छोटा सा बच्चा। और सच में भाई एक शैतान बच्चा और एक पियानिस्ट टीचर के बीच की वो नफ्स, वो बॉन्डिंग हमारे सामने ये मूवी पकड़ कर रखा है और इतने परफेक्ट तरीके से कि बता नहीं सकते, काबिले तारीफ है। कैरेक्टर की एक्टिंग यार, खासकर उस छोटे से बच्चे की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है, उसकी मासूमियत आपको दिल में उतर जाएगी। ऐसी इंस्पिरेशनल मूवी को हर किसी को एक बार तो देखनी चाहिए। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है और मस्ट वॉच है, एक बार देखिएगा जरूर। नंबर 2 की कोरियन मूवी भाई, के एक्शन सीन ने तो स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं दिया। ऐसी मूवी काफी कमाल की होती है जिसमें शुरू से अंत तक हमारे हीरो और उनके टीम को पूरी तरह से बजी पड़ी हो, तो ये नंबर 2 की मूवी आपके लिए। 2018 की एक्शन थ्रिलर के साथ टेक पॉइंट। मूवी की स्टोरी, एक ऐसा खतरनाक मिशन, अमेरिका के सीआईए एजेंट कोरिया के एक बंकर से नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किंग को किडनैप कर सही सलामत लाना है। क्या हलवा है क्या, अरे वो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस आपको ही ले डूबी है, ये मूवी आपको दिखाएगी अपने अंदाज में। और सच में भाई एक एक की जो बजती है ना वो देख के तरस भी आता है और मजा भी आता है। नो डाउट इस टाइप का मिशन वाला मूवी देखना पसंद है तो एक ट्राई देकर देखिए। खुशी की बात है मूवी फ्री में एमएक्स प्लेयर पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी सिर्फ मूवी नहीं भाई, हाई लेवल की इमोशंस है। वर्ल्ड बेस्ट डायरेक्टर बोंग जुन हो की मूवी होना भाई तो पूछिए मत, सीधा देख डालिए। इनकी सबसे बड़ी खासियत है भाई, ये सिर्फ मूवी को डायरेक्ट नहीं करते, अपनी फीलिंग, अपनी इमोशंस को हमारे सामने रखते हैं। क्या ऐसी लीजेंड डायरेक्टर की मूवी को मिस करनी चाहिए, नहीं भाई जी हम बात करें 2018 की साइफाई एडवेंचर के साथ, सिर्फ मूवी नहीं इमोशन बोंग जुन हो की लॉबजा।
भाई इस मूवी को देखिए, एक इंसान और एक जानवर के बीच की वो फीलिंग, वो इमोशन सीधा जाकर आपके दिल को टच करेगी। ऐसी इमोशंस को मिस नहीं करिएगा। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर वन की कोरियन मूवी के बारे में क्या बताएं, अब तक की वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रिवेंज मूवी में से एक है। आप सोचिए, आपको किडनैप कर एक दो या पाँच साल के लिए नहीं, सीधा 15 साल के लिए एक ही रूम में आपको रखा जाए तो सोचिए आपका हालत क्या होगा। सिर्फ सोचकर ही ना दिमाग बौखला गया। जी हाँ, हम बात करें 2003 की मूवी नहीं भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी, एक्शन ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर के साथ ओल्ड बॉय। इसे कहते हैं भाई कोरिया की रिवेंज वाली मूवी। आपको 15 साल के लिए एक छोटा सा रूम में बंद कर दिया जाए तो आप क्या करिएगा? 15 साल में तो आप एक कमरे में आधा बूढ़े हो जाएंगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। इतने दिनों में तो भाई एक इंसान टूटकर हार जाता है। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 15 साल के बाद जब भी वो निकलेगा तब एक एक को चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर, भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा कर, तड़पा कर मारेगा। ऐसी मूवी को इग्नोर नहीं कर सकते यार, फुल सेटिस्फेक्शन वाला मूवी है, मिस नहीं करिएगा। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। तो बताइए भाई लोग, ऐसी कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो गलत बात होगा ना। आप लोग सिर्फ वीडियो देखकर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा, और लेटेस्ट अपडेट के लिए टॉप रिव्यू टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।